सलामें जय हिंद दोस्तों। सो गाइस लेके आ चुके हैं एक न्यू वीडियो आपके बीच में। तो आज हम बनाएंगे भाकरवड़ी। मराठी डिश है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम करारा स्नैक है एक तरीके से कह सकते हैं हम इसे। सो वीडियो को शुरू कराते हैं गाइस। अगर जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मुझसे आने वाले वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो है जीरा, धनिया साबुत, सौंफ है, ये थोड़े से अलसी और सेसमी सीड्स हैं मतलब तिल के सीड, और ये है सूखा नारियल। ये धनिया लिया हमने थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, कई लोग नहीं डालते हैं इसको। ये है मैदा एक कप फुल, थोड़ा सा केचप आप इसकी जगह पे आप इमली की चटनी भी ले सकते हैं। ये है बेसन हाफ कप, नमक और थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। एक बेसन उसमें डालेंगे हम, बेस मैदा एक कप, हाफ कप बेसन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ऑयल मोइन के लिए। हमारे यहाँ पे अपना डो तैयार हो रहा है, इसका हमें एक डो तैयार करना है। नॉर्मल थोड़ा थोड़ा गर्म पानी करके ऐड करना है क्योंकि इसमें बेसन और मैदा दोनों ही बहुत पतले आटा है एकदम। तो जब तक ये तैयार हो रहा है हमारा, तब तक हम कर लेते हैं इन मसालों को ग्राइंड। ये हमारी सौंफ है, धनिया, जीरा, सेसमे सीड्स और कोकोनट, इनको एक साथ कर लेंगे ग्राइंड। डाल लिए हमने सारे अपने मसाले और ये कोकोनट अपने जार में, कर लेते हैं इसको क्लोज और 1, 2 and 3। सो ये देखिए एकदम अच्छे से पिस चुका है तरह। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना रेड चिली पाउडर, हींग और हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्ची, नमक और हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला और क्लोज करेंगे लिड को और एक बार और घुमा देंगे हम ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। 1, 2, 3 एंड गो। सो गाइस अब अपने जार से इसको निकाल के निकालेंगे एक प्लेट में और इसी में साथ में ऐड कर देंगे अपना धनिया। ये ऑप्शनल है गाइस, मेरे को धनिया थोड़ा सा पर्सनली ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने धनिया भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। सो गाइस हमने यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा लिया अपना ऑयल और हमारा डो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें लगाएंगे ऑयल, इसमें हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें से ले लेंगे हम एक छोटे से बॉल टाइप और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। रोलिंग पिन पे रख लिया और इसे रोल कर लेंगे अच्छे से। शीट बनानी है इसकी पतली सी, मोटी भी नहीं रखनी और ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है कि इसे उठाना पाओ। कुछ बना लेनी है, इतनी थिकनेस रखनी है हमें इसे, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी रखना है। अब हम लगाएंगे इस पर अपना केचप, या आप अगर इमली की चटनी भी लगा सकते हो अगर आप इमली का चटनी खाना पसंद करते हो। थोड़ी थोड़ी हमें इसे इस पर लगा के इसे फैलाना है। पूरी शीट पे इसे अच्छे से लगा देंगे और फिर जो हमने मसाला अपना तैयार किया था इसको इसके बीच में बिछा देंगे। सो इस मसाले को हम डाल देंगे एक सीधी लाइन में और हम इसको शीट को हम करेंगे रोल। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसे फोल्ड करते हुए चलेंगे। सो इसे पहले थोड़ा सा किनारा कट कर लेंगे फिर हम इसको ऐसे हल्के हल्के, ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, ज्यादा पतला भी नहीं रखना, बस बेसिक नॉर्मल सा साइज रखना है, इसे हम कट करेंगे। हम पूरे अपने सिलेंडर को, ये रोल जो किया है, इसको काट लेंगे। So guys, अपन ये भाकरवड़ी को हम छोड़ देंगे, तेल में गर्म हो चुका था हमारा तेल ऑलरेडी। हमने पहले इसे अच्छे तेल में गर्म कर लिया था, फिर हमने अपनी फ्लेम लो कर ली थी ताकि अच्छे से पक जाए हमारा मैदा और बेसन। जितने एक बारी मास की उतना ही डालें, एक्सेस ना करें क्योंकि उससे क्या होगा फिर हम इसे पलट नहीं पाएंगे क्योंकि अच्छे से कुक नहीं कर पाएंगे। इसे बीच बीच में हिला के अच्छे चेक कर जाए, देख सकते हैं गोल्डन फ्राई हो चुकी है। तो अभी से हम अपनी भाकरवड़ी को निकाल लेंगे हम एक पेपर टॉवल पे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। गाइस हमारी तैयार भाकरवड़ी, अब इस पे हम गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया के साथ और साथ में डालेंगे थोड़ा सा केचप। यार रुचि हमारी भाकरवाड़ी, मैं इसे जल्दी से टेस्ट करता हूँ और मैं इसका आनंद उठाता हूँ। तब तक आप भी प्लीज आके इस वीडियो को पूरी देखना और वापस से ट्राई करके कमेंट करके जरूर बताना कैसी बनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक थम्स अप देना, मैक्सिमम शेयर करना इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। ऑल राइट, टेक केयर, साइन ऑफ, जय हिंद। डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।